Jet planes in the night sky with you. Hey peeps, welcome back to my channel. So, आज मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का लेटेस्ट कलेक्शन. सो बने रहिए मेरी वीडियो में, प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी और ये यहाँ पर 80 रुपीज़ में वुलन टॉप्स आपको मिल जाएंगे और इसमें स्वेटर्स और टॉप्स हर तरह की वैरायटी थी और 80 रुपीज़ में इनकी क्वालिटी बहुत ही ठीक थी. और अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, मुझे इनकी क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छे लगे. जैसे कि आप ये रेड वाला देख सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छी इस पर डिटेलिंग हुई भी है और ये बाकी के भी आप देख सकते हैं. ये ग्रे कलर में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और 80 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे. और यहाँ पर हेयरबैंड्स की भी सेल चल रही थी. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हेयरबैंड्स नॉर्मली मार्केट में 50 रुपीज़ में एक मिलता है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपीज़ में दो मिल रहे थे. और जैसे ही आप सरोजनी नगर वाले गेट से, मेट्रो स्टेशन वाले गेट से एंटर करेंगे, तभी आपको राइट हैंड साइड पर ये भैया मिल जाएंगे और इनके पास हेयरबैंड का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और 50 रुपीज़ में ये आपको दो मिल रहे थे. सो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे और मैं आपको दिखाऊंगी नाइट सूट का कलेक्शन. बहुत अच्छा था यहाँ पर. देखिए इस शॉप पर साटन में भी नाइट सूट्स आपको मिल जाएंगे, कॉटन में भी मिल जाएंगे और इनके पास डेनिम का भी अच्छा कलेक्शन था और बोहेमियन जैकेट्स एंड हुडीज एंड गर्ल्स की जैकेट्स. और ये देख सकते हैं आप, लाइन स्ट्राइप्स वाला नाइट सूट्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था डेनिम का, डेनिम की जैकेट्स एंड डेनिम की शर्ट्स. और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आप देख सकते हैं फुटवियर का बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर. इनके पास सैंडल, बेलीज, शूज़ और हर तरह के फुटवियर आपको मिल जाएंगे और इनका प्राइस था 300 से ये स्टार्ट थे, तो आप देख सकते हैं ये. इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर बेल्ट लेकर एक भैया बैठते हैं. यहाँ पर गर्ल्स की हर तरह की बेल्ट मिलती हैं और इनका प्राइस था 200 से स्टार्ट थी ये. और ये जो ड्रेसेस वाली बेल्ट है, इनके अलग अलग प्राइस थे. मैंने एक का प्राइस पूछा तो भैया ने मुझे 300 बताया था, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग ये कर लेंगे. और ये जो जीन्स वाली बेल्ट हैं, इनका प्राइस था 100 से स्टार्ट थी ये. और इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन था बेल्ट का, तो आप जब भी सरोजनी आए तो इनकी शॉप को एक बार ज़रूर चेकआउट करें. इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ज्वेलरी कलेक्शन. इनके पास बहुत अच्छे अच्छे नेक पीसेस थे और बहुत क्यूट क्यूट ईयरिंग्स थे इनके पास और हूप्स भी बहुत अच्छे थे. और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से एक हूप्स लिए भी थे शेल्स वाले, मैं अभी आपको दिखाऊंगी. इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन था ज्वेलरी का, ये आप देख सकते हैं. ये नेक पीसेस, ये ऑक्सीडाइज्ड नेक पीसेस थे और ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी ईयरिंग्स सब बहुत अच्छे लग रहे थे. और जैसे कि आप ये लास्ट में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में शेल्स वाले ईयरिंग्स लगे हुए हैं, ये मेरी फ्रेंड ने लिए थे और इसका प्राइस था 50 रुपीज़. और बाकी नेक पीसेस का जो प्राइस था वो 100 से स्टार्ट थी. इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर बेल बॉटम पैंट्स मिल रही थी और ये बहुत ही अच्छी पैंट्स थी. और मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे 350 बताया था, लेकिन वो आपको बार्गेनिंग के बाद अराउंड 200 या 250 में मिल जाएगी आपको. और इसमें सारे कलर्स अवेलेबल थे और ये स्ट्राइप्स में भी थी, चेक में भी थी और प्लेन भी थी और हर कलर आपको इसमें मिल जाएगा. और इनके पास जैकेट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, तो जब आएँ तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करें. सो अब आती है सरोजनी नगर की सबसे फेमस एंड बेस्ट लेन, विच इज़ ग्रेफिटी लेन. और ग्रेफिटी लेन में आपको वुलन का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा. यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोट्स थे, ये लॉन्ग में भी थे और शॉर्ट में भी थे और जैकेट्स भी थी यहाँ पर. और यहाँ पर आपको ये ओवरकोट ऑलमोस्ट हर कलर में मिल जाएंगे. और यहाँ पर आने के लिए आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोट का प्राइस ये भैया यहाँ पर बताते हैं अराउंड 700 या 600, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखाने की बहुत ज़रूरत होती है और ये आपको अराउंड 300 या 350 में फिर दे देते हैं. तो आप देख सकते हैं इनके पास कितने अच्छे अच्छे ओवरकोट्स थे. और ये आप नॉर्मली अगर मिंत्रा से या किसी शोरूम से लेंगे तो ये आपको अराउंड 4000 या 5000 तक का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 300, 350, 400 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 500 में मिल जाएगा. सो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस ग्रेफिटी लेन को ज़रूर चेकआउट करें. और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में भी कोट अवेलेबल थे, लेकिन मुझे लेना नहीं था तो मैं आपको सिर्फ शूट कर रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि आप जब भी सरोजनी नगर आएँ तो आप यहीं से ही ओवरकोट परचेज़ करें. एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. एंड इसके आगे मैं आपको वीडियो में और भी बहुत अच्छा कलेक्शन दिखाऊँगी और आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ. एंड यहाँ पर ये वुलन के लोअर्स मिल रहे थे
और बहुत क्यूट क्यूट से लोअर्स थे ये, पोलका डॉट्स में भी थे और कुछ पांडा वाले भी थे, और ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और इनका प्राइस था 150 रुपीज़, एंड दूसरी मार्केट्स में आपको ये 200 या 250 में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 150 में मिल रहे थे और मुझे ये पर्सनली बहुत क्यूट लग रहे थे। एंड इनके पास भी पैंट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था और इन्होंने भी मुझे सेम प्राइस 350 बताया था, लेकिन ये बार्गेनिंग करने को ईजिली तैयार हो गए थे, लेकिन फिर मैंने ली नहीं थी, वरना ये मुझे अराउंड 200 में मिल जाती। लेकिन ये पैंट्स काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर हर साइज़ हर कलर में अवेलेबल थी। सो आप आएँ तो ये ग्रेफिटी लेन के आगे ही ये शॉप है, तो आप इसको एक बार ही ज़रूर चेकआउट करें। थोड़ा आगे आके इस शॉप पर बैग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था, और जैसे कि आप देख सकते हैं 300 की सेल यहाँ पर लगी हुई थी, और इसमें आपको बैकपैक्स, चोट बैग्स एंड स्लिंग बैग्स भी मिल जाएंगे। जो अंदर बैग्स लगे हुए हैं उनका प्राइस थोड़ा अलग था, ये जो बाहर लगे हुए हैं इनका सबका प्राइस सेम था, विच इज़ 300 रुपीज़। एंड 300 रुपीज़ में इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से स्लिंग बैग्स भी मिल रहे थे, जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए और ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो आप जब भी जाएं इस शॉप को ज़रूर चेकआउट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका शॉप नंबर बता दूंगी। और इनके पास क्लच भी अवेलेबल थे। एंड सरोजनी नगर की पूरी मार्केट में आपको डेनिम का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर सभी जगह पर जीन्स 200 रुपीज़ में मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको हर साइज़ हर कलर मिल जाएगा। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी जीन्स थी, और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से एक जीन्स ली भी थी और काफ़ी अच्छी जीन्स मिल गई थी उसे। सो यहाँ पर 200 में जीन्स मिल रही थी और ये काफ़ी अच्छी डील थी। सो आप आएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये ग्रेफिटी लेन से जब आप बाहर आएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये भैया आपको मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर नीचे हमेशा ही बैग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगाते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लिंग बैग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। जिस टाइप के स्लिंग बैग्स आपको शीन पर मिलते थे, वो उसी टाइप के स्लिंग बैग्स यहाँ पर मिल रहे थे, और सबका प्राइस सेम था, ये 350 रुपीज़ में थे, और ये फिक्स प्राइस शॉप थी, तो यहाँ पर आप किसी भी बार्गेनिंग की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। और ये जितने भी बैग्स नीचे रखे हैं इनका भी प्राइस सेम था, सभी का प्राइस 350 था। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स थे, यहाँ पर क्लच भी थे और शोल्डर बैग भी काफ़ी अच्छे थे। और इन भैया की शॉप के सामने ही बिल्कुल ग्रेफिटी लेन के बाहर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सीक्वेंस शॉप का कलेक्शन मिल जाएगा। इनके पास हमेशा ही बहुत अच्छा कलेक्शन होता है सीक्वेंस शॉप का, और इनका प्राइस होता है अराउंड 250 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनके पास सबसे अच्छे टॉप मिलते हैं पूरे सरोजनी नगर में, पार्टी वियर टॉप्स होते हैं इनके पास। सो आप आएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर मैंने देखा 100 रुपीज़ में ओवरकोट की सेल लगा रखी थी, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस थे ओवरकोट के। एंड यू नो आई वॉज सीरियसली अमेज्ड टू सी द प्राइस ऑफ दिस ओवरकोट्स, एंड 100 रुपीज़ में यार कौन बिलीव करेगा, एंड कहाँ आपको 100 रुपीज़ में ओवरकोट्स मिलेंगे। देखिए आप ये पीस कितना अच्छा पीस है, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में है। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ग्रेफिटी लेन में भी आपको थोड़े अराउंड 300 तक का मिल जाएगा ओवरकोट, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे वेंडर्स लगे हैं इनके पास तो 100 रुपीज़ में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। देखिए ये जैकेट भी थी जो कि आपको लेदर लुक में मिल जाएगी, और ये सामने एक और ओवरकोट की मैंने वेंडर देखी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ओवरकोट हैं, और ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ में है। और ये चेक में भी आप जैकेट देख सकते हैं, इसका भी प्राइस सेम है। एंड ये रेड चेक में भी ओवरकोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा 100 रुपीज़ में। सो गाइस प्लीज़ आप इस मार्केट में आइए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ढूंढने से ही अच्छी चीज़ मिलती है, और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना भी पड़ता है इसके लिए। और गाइस अब हम जा रहे थे शॉप नंबर 54 में। सो ये आपको मंडी लेन में मिल जाएगी शॉप नंबर 54, और आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडी कपड़े देखने को मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली इंस्टाग्राम पर या रील्स पर देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंडी टॉप्स। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन था इनका, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इन सभी का प्राइस था 350 रुपीज़, और 350 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी थे और बहुत क्यूट भी थे ये। और ये जितने भी ऊपर लगे हुए हैं इनका प्राइस 500 से लेके 600 तक का था, और ये जो नीचे जितने भी हैं जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, इसका प्राइस भी 350 था।
सो गाइज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा एंड उसमें भी आपको बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।